नमस्कार। प्रत्येक खबर के साथ मैं करुण बिहारी, काली नगर बिहार। आज मिलाते हैं ऐसे आदमी से जो कि पहले भी कुछ काम किए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है और समाज सेवी भी है, और वह समाज सेवी के लिए वह कार्यरत है। हर काम में वह सहयोग करते हैं और आज मिलाते हैं उनसे जो कि समाज सेवी के और जनता की सेवा के लिए वह अपना विचार रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। हम ग्राम कालंदनगर कालू चक से बिलोंग करता हूँ। मैं जनता दल यू के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आप तो अपना परिचय दे दिए, और बाढ़ पीड़ित से प्रभावित जो इलाके हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा गांव कालंदिन नगर है। ये गोपालपुर प्रखंड के अंतर्गत डुमरिया से प्रोजेक्ट का कालंदिन नगर है। कालंदिन नगर में तीन वार्ड है। तीनों वार्ड में लगभग 2000 की आबादी है। इसमें बहुत पूर्व में पैसा राहत राशि मिला था और 20% आदमी को नहीं मिला है, और इसमें भी छूट गया है। जैसे कि 2016 और 19 में जो पैसा मिला, जिनके पुराने राशनधारी है उनको तो खाते में 80% घुस गया है, और नए वाले को जो नया वाला जो राशन बना है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऐसे कोई सरकार की, जैसे हम राजस्व कर्मचारी गोपालपुर से मिले तो वो बताए कि इसमें सिर्फ राशन कार्डधारियों को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई हमारे सरकार के आदेश नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान है, पूरे जिला अधिकारी को यह निर्देश दिया है कि एक भी बार प्रभावित छूट न पाए। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि राशन कार्ड वाले को नए पुराने वाले को मिल ही जाएगा, तो जैसे कि और जो प्रभावित है, जैसे बिना राशन कार्ड वाले हैं, उनको क्या सरकार से आप मांग करना चाहते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 19/9/2021 के समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित समाचार में ऐसा दिया है कि सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि एक भी बार प्रभावित परिवार छूटना नहीं चाहिए। जो आप पेपर की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है उसके लिए? हाँ, आप दिखाइए। हिंदुस्तान पेपर का ये पेपर है, आप दिखाइए। तो उसका चित्र कहाँ पे दिया गया है? और आप देख रहे हैं इस वीडियो के साथ, बाढ़ पीड़ित के कारण से फसलों वाला भी है, और नीचे और यहाँ पर लिखा हुआ है एक भी आपदा पीड़ित सहायता से वंचित नहीं रहेगा। और सरकार द्वारा आह्वान तो किया गया हिंदुस्तान के पेपर में, और आप सुन रहे हैं देवेंद्र जी से, और जनता के सहयोग में वह आपसे बात करें इस वीडियो के साथ। आप बने रहे लगातार। सीओ अंचल कार्यालय के कर्मचारी से मिले इसके बारे में, तो वो बताया कि नहीं, सिर्फ राशन कार्डधारियों का है, लेकिन ऐसा कोई हमारे सरकार की आदेश नहीं है। माननीय नीतीश कुमार का तो पूरे जिला अधिकारी को निर्देश दिया भी है, लेकिन रहा कि ऐसा कोई बार आपदा जो है सिर्फ राशन कार्ड धारियों पर नहीं आता है, हर जीवों पर आपदा आती है। इसके लिए हम सरकार से आवेदन करता हूँ, जितने भी छूटे हुए लाभार्थी हैं सभी के राहत मिलना चाहिए। इसके लिए हमको जहाँ भी जाना, पटना जाना पड़ेगा, पार्टी कार्यालय से मिलना पड़ेगा, सभी से हम मिलकर राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हर संभव मेरा प्रयास और कोशिश रहेगा कि सभी को मिलना चाहिए। और आपका सही कहना भी है, और आप सोचते हैं कि सबको मिलना चाहिए, चाहे राशनधारी हो या नहीं हो, क्योंकि सब जल से प्रभावित है, इसलिए आपका कहना है कि सबको मिलना चाहिए। जब सीधी सी बात है, आपदा बाढ़ आपदा सिर्फ राशन कार्डधारियों पर नहीं आती है, आपदा बाढ़ आपदा सभी जीवों पर आती है, न कि सिर्फ राशन कार्डधारियों पर। इसलिए माननीय नीतीश कुमार का जो आह्वान है उसके हिसाब से इसमें दिया है, जिसके पास राशन कार्डधारी उसको भी मिलना चाहिए, पहला अथॉरिटी उनको है,
दूसरा अथॉरिटी है कि जो राशन कार्ड नहीं है वो भी प्रभावित हैं, उसको भी मिलना चाहिए। हाँ, बल्कि परिवार होना चाहिए, या नहीं कि कुमारा है 12 वर्ष का लगड़ा है उसको भी खाता दे दिए, उसको भी दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कोई कर्मचारी पदाधिकारी को इसमें शंका होता है कि 15 वर्ष बच्चे को दे रहा है, उसकी जाँच की जाए। उसमें जांच में तो अपने पता, उसमें आधार कार्ड सटा हुआ है, अपने पता चल जाएगा इसका उम्र क्या है, ये परिवार वाले हैं या नहीं है। ये तो सरकार का जो सीओ का अंचल के कार्यालय के कर्मचारी हैं, पैसा ऐठने के लिए सदस्य बोलता है कि सिर्फ राशन कार्डधारियों के लिए है, ये तो कहीं दर्शाया नहीं गया है। और आपका कहना है कि जिसे जिसको राशन कार्ड नहीं है उनको जांच करके दिया जाना चाहिए, ये परिवार होना चाहिए, परिवार निश्चित परिवार होना चाहिए, नहीं कि 18 साल वाले को ही दिया जाए। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े और देवेंद्र जी से आप सुने, ये जनता सेवी के काम कर रहे हैं, और जो है कि इनका कहना है कि सभी को मिलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ राशन कार्डधारियों को मिलना चाहिए। और इस वीडियो के सभी जीव होते हैं, ये नहीं सिर्फ मनुष्य, इस पर सभी जीव होते हैं और सभी जीवों पर आती है। जैसे कि अभी बार पीड़ित तो चलिए राशनधारी को मिलने वाला है, मिल ही रहा है, और आपका आह्वान है कि जिनको राशनधारी नहीं है उनको भी मिलना चाहिए। और जैसे कि किसान लोगों को जो बार पीड़ित प्रभावित से पशु सबको जो परेशानी हुआ, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय नीतीश कुमार का तो एकदम क्लियर है कि सभी जीवों को, सभी अगर मवेशी का क्षति हुआ तो उसके लिए भी सहायता करें किसान को। यानी कि सरकार द्वारा ये आह्वान है कि सबको सब चीज़ मिलना चाहिए जो बाढ़ पीड़ित से प्रभावित है, और जो बीच में इधर उधर नहीं होना चाहिए, सही जांच करके देना चाहिए, ये आपका कहना है। चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े और आप सुने, वीडियो के साथ आप बने लगातार। मंत्री बिहार की जनता को न कभी पहले मिला था और न कभी मिलेगा। मुख्यमंत्री तो हमारे पीएम के मटेरियल हैं।